जो पाठ दो दादी माँ इसे पढ़ें। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र, मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखें के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवाय सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिड़ुआ और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बड़ा मालूम होता है। मैं भीतर भुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, ज्वर मतलब बुखार तो चढ़ा चढ़ता ही गया, तेज हो गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई ली और उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पखा झलती, कभी जलते हुए माथे हाथ पैर कपड़े में सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर जरों का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ की को गवई गांव की 500 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को क्या थे, गांव की जितनी भी दवाइयाँ थी 500 किस्म थी, उनको सब याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां पर वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विशुषिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी को तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता। पर ना जाने क्यों
क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार पड़ोसन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हें उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूरी, दूंगी फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, ओरिन हो गया, हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, ते जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरक पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोपति उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने का कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा बड़ी जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। क्या मतलब? जो है उनका तो खुल गया भेद। देवू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ बोली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, उभय दान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्रक चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती।
संसार उन्हें धोखे की मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, वह घर की ही तो थी ना, थी नहीं? दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उन्हें स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। ये देखो बच्चों, दिया जला के बैठी है दादी। क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी की और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, क्यों रोता है? मैंने तो अभी हूं ही ना, क्यों रोता है? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उसका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उसके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। ये देखो कंगन दिखा रही है निशानी। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी ही लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से करतारे धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछता बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। कहानी से पहला, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर देंगे, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें संजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन भर सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत आदि। दोबारा दोहराएंगे, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें संजीव हो उठी, मतलब ताजी हो गई। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना,
किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने गीत आदि सब उसे याद आ गई। दूसरा दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? फिर से दोहराएंगे, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर देंगे इसका, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें संजीव हो उठी, साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां भी याद हो गई। जाग भरे पानी में, ये तो मैंने बच्चों आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न दोहराएंगे, दूसरा प्रश्न को उत्तर देंगे जो अभी मैंने दोहराया है, फिर से दोहराती हूँ। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? उत्तर देंगे, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्वेश्चन से लिया पहले, आगे बोलेंगे क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई, इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के बाद श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की हालत डामाडोल हो गई। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्वेश्चन से लिया बच्चों ये, आगे क्योंकि करके हमने आंसर देना, क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई, इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर दिया। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ ने मना करने पर बावजूद भी लेखक ने अपने पिता की जी के बेहिसाब दौलत व्यर्थ कर दी। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे जो स्थिति थी घर की वो डामाडोल हो गई। तीसरा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता और क्यों? फिर से दोहराएंगे, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष अच्छा लगता है सबसे अच्छा और क्यों? उत्तर देंगे, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ की सेवा, परोपकारी व सहज स्वभाव आदि। दोबारा दोहराएंगे प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। क्वेश्चन से ले लिया, मसलन दादी माँ की सेवा, परोपकारी व सहज स्वभाव आदि। आदि पक्ष पूरा करेंगे इसका आंसर। हमें सबसे अच्छा पक्ष लगा, इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, ठीक है, और चाची की बेटी की शादी पर उनके घर जाकर उनकी सहायता करना, उनका बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी जी निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाते। अब है हमारा कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। दोबारा दोहराएंगे, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। उत्तर देंगे, कवार का पहले, ठीक है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। आषाढ़ में
गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा, और तीसरा है माघ में अत्यधिक सर्दी। अगला, दूसरा। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका उत्तर एक बार प्रश्न फिर दोहरा देते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक ने इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो उत्तर देंगे, मौसम तीन होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब होता है, अमरूद होता है, केले व अंगूर, तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी, मूली आदि मात्रा में पाई जाती है या मिलती है। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई आदि पाई जाती है। बरसात में के मौसम अत्यधिक वर्षा होती है, फलों में कई प्रकार के आम, आलूबुखारा, खुरमानी आदि पाई जाती हैं, और सब्जियों में बैंगन, करेले आदि पाए जाते हैं। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर। मौसम तीन प्रकार के होते हैं, गर्मी, सर्दी एवं बरसात। सर्दी के मौसम में क्या होता है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर आदि होते हैं, और सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर आदि होते हैं। और गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा पाया जाता है। और बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है, फलों में भी कई प्रकार के आम होते हैं, आलू बुखारा होता है, खुरमानी होती है, और इसके अलावा सब्जी क्या होती है, बैंगन, फलियां, करेले, परवल आदि। अगला अभ्यास, अनुमान और कल्पना। पहला, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा, और उन्हें उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय में लिखो। फिर से दोहराएंगे, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता था, ठीक है, और उन्हें कहाँ से मिलता था। ये बड़ों से बातचीत करके लिखना है। उत्तर देंगे, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते थे। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चे की फीस जमा कराने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई, पशुओं को खरीदने के लिए आदि, इन बातों के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता था। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते थे। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, उन्हें लोगों से ऋण लेना पड़ता था। वो परिस्थिति क्या होती थी, शादी विवाह का खर्च, मकान बनाने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता था। किनसे मिलता था ये ऋण, उनको गांव के जो जमींदार थे और साहूकार थे उनसे मिलता था। इसके अलावा यह ऋण सरकारी बैंक से भी मिलते थे, डाकघर से मिलते थे, विभिन्न परिजनों के लिए ऋण मिला करते थे। दूसरा, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे क्या क्या करते थे, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। फिर दोहराएंगे, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे क्या क्या करते थे, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। उत्तर देंगे, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर, नाच गाकर खूब मस्ती करते थे। इसके अतिरिक्त मित्रों के साथ वो हर विषय में बातचीत करते थे।
इसका तो फिर देंगे घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों, बच्चों पे नए नए वस्त्र पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर, वे नाच गाकर खूब मस्ती करते और इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत करते। अगला अभ्यास, भाषा की बात। दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता। सन से सफेद, समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पांच और शब्द लिखिए, उनका वाक्य में भी प्रयोग करिए। दो उत्तर देंगे इसका, फूल से कोमल बच्ची सो रही है। फूल से कोमल बच्ची, इसमें देखना है सा सी से का प्रयोग होना चाहिए वाक्यों में। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। कोयल की मीठी सी आवाज बड़ी आनंददायक होती है। यह फल शहद सा मीठा है, सा का हो गया। वह पत्थर सा कठोर है, सा हो गया। वह पत्थर सा कठोर है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है। अगला प्रश्न, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के पांच वाक्य लिखो। अब हमने इस प्रकार के पांच वाक्य लिखने हैं। उत्तर देंगे, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था, ठीक है। माँ ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। माँ ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। बार बार आया। चारों ने घर की मालकिन को सार सार कर दिया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। अगला, बोल चाल में प्रयोग होने वाले शब्द का वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए, निकसा, प्रहा, उरिन, चिड़वा, छौंका इत्यादि शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिड़वा को चिड़वा, सूत्रक को पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और वहां शब्द क्रमशः विकास, निकास, उरिन और ब्रह्म शब्द के क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार इन शब्दों को बोल कर वे प्रयोग लेने वाली भाषा बोली से एकत्रित किए और कक्षा में लिख कर दीजिए। इसका उत्तर देंगे, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इन इनका हिंदी रूपांतरण मिट्टी माटी नहीं, मिट्टी माटी मटी, घास लेट मिट्टी का तेल, घना अधिक, बंदा व्यक्ति, चादर चद्दर, प्यार दुलार, पक्षी पक्षी पक्षी, नाटक नौटंकी, कोआकाश, विवाह व्याह, शादी, कृष्ण किशन, घड़ा मटका घघरी आदि। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।